कि राजनीति को हटा दें, वो शब्द भी हटा दें, सोच भी हटा दें, और इसके पीछे जो असली राजनीति है वो कहीं ना कहीं दिखे नहीं। इनका सबसे बड़ा काम मेरे लिए जो एक समझ में आया, द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट एट ऑल टाइम्स व्हेनेवर आई हैव हर्ड प्रबीर, ही इज ब्रॉट फोर्थ द पॉलिटिक्स दैट एग्जिस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड, इन द इंटरनेट वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड इन दिस होल थिंग। तो अब पहले माफी मांगूंगा इसलिए कि अनीता के कहने पे मैं हेलीकॉप्टर मॉडल पे यहाँ आके आपके साथ कुछ देर रहूँगा, इसके बाद चला जाऊँगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, पर उसने ज़बरदस्ती की तो आना पड़ा। ठीक है, कोएर्सिव डेमोक्रेसी। तो कोएर्सिव डेमोक्रेसी ये थी कि मैं यहाँ आपके साथ, आई स्पेंड सम टाइम विथ यू एंड अपोलोजाइज दैट आई एम रियली कमिंग एंड गोइंग बिकॉज आई हैव सम अदर थिंग्स विच आई हैड ऑलरेडी कमिटेड टू। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी और राजनीति में हमेशा एक लिंक रहा है कि अक्सर जो पॉलिसी डिसीशंस होता है टेक्नोलॉजी या साइंस के नाम पे पेश किया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल सिनेरियो दैट वी टेंड टू प्लेस व्हाट आर पॉलिटिकल डिसीशंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोक्रेटिक और टेक्नोलॉजिकल गार्ड सो दैट पीपल विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर द डिसीशंस। एंड हमारा जो साइंस फोरम जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, पीपल साइंस मूवमेंट का उद्देश्य ही था दैट वी शुड बी एबल टू डीमिस्टिफाई द पॉलिटिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एम्पावर द पीपल टू बी एबल टू रिएक्ट टू इट एट द पॉलिटिकल लेवल। नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर एंटरिंग इनटू टाइम्स वेयर टेक्नोलॉजी स्पीड हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी की विकास हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई है, ख़ास तौर से पिछले 20-25 साल में। तो इट हैज़ बिकम मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज बिफोर वी नो इट, इट्स वर्चुअली टेकन ओवर अ होल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे बिना इसको समझे ही उसके साथ साथ एक अंश जो हमारे जीवन का उसके हाथ में चला जा रहा है। तो मैं पहला चीज़ इससे शुरू करूँगा, रियली स्टार्ट विद दिस, व्हाट इज़ डेटा। क्योंकि ये बहस जो यहाँ पर हो रही है इसका एक समझ ये है कि डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्चुअली कैप्चर करके समझ सकते हैं कि हमारी डेटा है। तो अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज डेटा इज नो लॉन्गर कोट अनकोट जस्ट सिंपल डेटा अबाउट मी, सिर्फ मेरा, मेरे बारे में, मेरा वेट, मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, ये हमारा डेटा नहीं है। डेटा इज ऑल्सो सोशल रिलेशंस। मैं अनीता के साथ बात करता हूँ, मैं किसी को चिट्ठी लिखता हूँ, उसके अंदर क्या है, ऑल दैट बिकम्स डेटा। एंड डेटा इज फाइनली एंड अनफॉर्चुनेटली इज अ सोशल रिलेशनशिप दैट व्हाट वी आर कैप्चरिंग और व्हाट इज बीइंग कैप्चर्ड इज डेटा इज नॉट व्हाट आई कोट अनकोट ओन बट व्हाट माय फ्रेंड्स ऑल्सो ओन, व्हाट दे लाइक, व्हाट आई लाइक, ऑल ऑफ इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड data, and unfortunately therefore it is not discrete things that we are talking about. ये ऐसा नहीं कि मेरे पॉकेट में था, मैंने बैंक में रख दिया, पर वो पैसा ही है। ये सामाजिक संपर्क जब डेटा बनती है तो उसका स्वरूप कुछ अलग होता है। एंड वॉट वी आर सीइंग टूडे वेन यू टॉक अबाउट द डिजिटल कंपनीज विच उषा टॉक्ड अबाउट, दैट दीज आर कंपनीज विच ओन आर सोशल रिलेशनशिप, दैट्स वाई फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्क एंड इट इज ट्रू, इट इज। तो ये जो इससे जो निकलता है कि ये डेटा का मतलब इसमें बदलाव आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगेन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ डेटा इज नॉट व्हाट आई ओन, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ डेटा आर द सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट। ये सामाजिक संपर्क जो है उससे ही इन डिजिटल मोनोपोलीज को पैसा बन रहा है, उससे उसका पैसा बन रहा है, ना कि मेरा आंकड़े लेके वो कुछ उससे पैसा बना रहा है। ये सामाजिक संपर्क से जो पैसा बन रहा है, इट ऑल्सो मीन्स दैट वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कमोडिटी दैट एक्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। ये एक ऐसा कमोडिटी है जिसका अस्तित्व पहले नहीं था। ये सामाजिक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क जो बने हैं, ये जो इंटरैक्ट आज के तारीख पे दुनिया की
आधी दुनिया अभी इस वक्त इंटरनेट पे है और एक बहुत बड़ा हिस्सा, इससे भी बड़ा हिस्सा इस वक्त जो है वो आपके मोबाइल दुनिया में है. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इट्स अ कनेक्टिविटी विच इज फॉर्म्ड इन द लास्ट 20 इयर्स शैल वी से विच इज इलेक्ट्रॉनिक बोथ इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. आई एम आइडेंटिफाइंग इंटरनेट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. इंटरनेट को मैं डिजिटल कम्युनिकेशन बता रहा हूँ और टेलीकम्युनिकेशंस को आपका मोबाइल वगैरह बता रहा हूँ. ये जो कनेक्टिविटी लोगों में बनी है, इससे जो संपर्क, सो सामाजिक संपर्क निकल रहा है, इससे पैसा बनाने का संभावना डिजिटल कंपनीज को दिखा है. और इसीलिए वी आर गेटिंग अ न्यू काइंड ऑफ मोनोपोलीज दैट हैव फॉर्म. दे हैव नॉट फॉर्म बाय टेकिंग ओवर आवर ओल्ड फॉर्म्स ऑफ डेटा बट द न्यू फॉर्म्स ऑफ डेटा दैट हैव इमर्ज्ड. सो दैट्स अ चेंज. दो चीज मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा जो लोगों को एहसास होनी चाहिए कि एक तो ये है कि ये मेरी बात नहीं है, ये डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूंजीपतियों की जो दुनिया है, द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट गो देयर अलॉन्ग विद द वर्ल्ड लीडर्स वर ऑल्सो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो उनका कहना ये है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल. जो पिछली सदी में जो ऑयल का भूमिका था, अब जो है डेटा का वही भूमिका है. द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ डेटा इज सो इनॉर्मस दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू द न्यू ऑयल. सो दिस इज अ न्यू कमोडिटी विच हैज कम इन टू बींग आउट ऑफ द सोशल नेटवर्क्स दैट टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट. द सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, लास्ट मंथ, पिछले महीने में, कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल अगर देखे तो दे आर ऑल डिजिटल मोनोपोली. ये पहली बार हुआ है दुनिया में कि ऑयल कंपनी नहीं है, बैंक नहीं है जो पहले हुआ करती थी, वॉलमार्ट नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट मोनोपोलीज द वर्ल्ड यूज्ड टू बी वॉलमार्ट. बट ये जो आपके मार्केट कैपिटल के हिसाब से, मार्केट कैपिटल मतलब इसकी शेयर मार्केट में अगर बिके आज की मार्केट के भाव पे, तो उसका जो पूरा शेयर वैल्यू किया होगा, दैट्स मार्केट कैपिटल. दैट इज हाउ कैपिटल वैल्यूज कंपनीज, पूंजी जो है कंपनियों को इस तरह से वैल्यू करती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में पांच डिजिटल मोनोपोलीज, गूगल सबसे बड़ी है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, पांच ऐसी कंपनियां टुडे कंट्रोल आर द फाइव बिगेस्ट मोनोपोलीज बाय वर्च्यू ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट इज नॉट, दे आर बिगर इन दैट सेंस than the automobile companies, many, many times that size. They are, I think the auto companies all put together had market capital of $50 billion. These companies are $100 billion. These companies are worth something like $2 trillion in terms of market cap. So it's a huge shift that is taking place. Ek bahut bada shift hai poojivadi duniya mein, jo aapki social relations ki keemat is waqt yahan pahunch gayi hai. To actually, this room, unless it's being recorded, it is. Okay, otherwise my voice is loud enough for this room. So anyway, coming to this, is that is waqt jo data ki jo matlab hai, ye jo transformation hai, isko kaise hum isko fight kare, ye bhi samajhne ki zarurat hai. Because simple measures like saying that this data belongs to us would might be that you pay us for our data. And that is one way certain companies would go. It doesn't really matter. क्योंकि वो बेच क्या रहा है, हमारी सामाजिक संपर्क को बेच रहे हैं, तो इसलिए ना मेरी डेटा है ना परम की डेटा है, तो किसकी डेटा है. तो दीज आर द क्वेश्चन दैट ब्रिंग्स अप एंड द वैल्यू ऑफ इट कैन नॉट बी पेड बाई पेइंग मी $1 और $2 और वट एवर इट इज. तो मैं इसको, एक तो पहलू ये है. द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज वॉट उषा हैड रेज्ड अर्लियर, which is something that we have to think about. कि हमारी पहले जो transformation दुनिया की हुई थी वो था जो अलिखित समाज व्यवस्था था, it was not written. That became somewhere a written world. वो printing press से जिसका संपर्क है. तो पहला मैं मानता हूँ technological जो परिवर्तन दुनिया में होती है
जो सामाजिक समाज को कैसे गवर्न किया जाएगा। पहले तो गवर्न कैसे होती थी, राजा राजवाड़े जो कहते थे वही होता था यार, उसमें चर्च और ब्राह्मणों की कुछ हिसाब किताब होता था, वो कहते थे नहीं नहीं न्याय होना चाहिए, तो न्याय के बारे में कुछ लिखा गया है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट एसेंशियली देर वॉज नो कोट अनकोट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज बाई वर्चुअली बाई वर्ड ऑफ माउथ। तो दुनिया में जो लोगों का समझ था वो सिर्फ ओरल जुबानी तौर से, दैट वॉज हाउ रियली वर्ल्ड वॉज गवर्न, इट वॉज गवर्न बाई कोट अनकोट ओरल स्पीच। वॉट येस देर वर ट्रैक्ट्स विच यू रिटन, येस देर वर टेक्स्ट, बट रियली most of the social transactions in the world, including governance, to misuse the word, was still done by virtue of the spoken word. Zubani hua karta tha. Governance jo hai, jo satta ka jo logon se hisab kitab hota tha, wo zubani hua karta tha. Then you have the printing press, it gets codified. Laws come into being, precedence is established, the whole ट्रांसफॉर्मेशन दैट लॉ मेक्स टू आवर सोसाइटी। जो हमारी एक समझ है कि समाज लॉफुल होना चाहिए, कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, आई थिंक इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट द प्रिंटिंग प्रेस मेक्स, दैट यू कैन नाउ कोडिफाई दोज कंडीशंस, दोज प्रिंसिपल्स इन टू एंड पुट इट टू पेपर, एंड लिटरेसी देन बिकेम द शैल बी से द टूल विथ विच सोशल ट्रांजेक्शंस हैड टू बी डन। तो लिटरेसी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसका एक अहमियत होता है, क्योंकि उसके ज़रिए ही एक आप सामाजिक ट्रांजैक्शंस कर सकते थे। तो लिटरेसी का एक भूमिका होती थी, एंड आई विल से एट द एपेक्स ऑफ दैट, सबसे ऊपर में उसमें लॉयर्स का स्थापना होती थी, क्योंकि दे वर द वंस हु देन ट्रांसलेटेड फॉर एवरीबॉडी व्हाट शुड बी डन और व्हाट कैन बी डन, क्वाइट ऑफन यूजिंग इट टू द एडवांटेज ऑफ द रूलर्स, because that's what the laws were for, but at the same time they also kept some kind of ankush, kyunki janata ki jo sangharsh hue hai usse kanoon mein kuch aisi haq bhi logon ko diya gaya hai, not because people wanted to, not because the rulers wanted to, because we could demand it of them, and therefore we had laws which also protected us, gave us some rights. So this transformation of a society into a lawful society also took place as a part of struggles which people did, and one should not forget it, because that's what we see again today. So the lawyers may be in some sense the new Brahmins, the custodians of the law, but the law was really framed by the struggle of the people with their rulers, and therefore the establishments of rights. Jo janata ki hag bani hai wo sangharsh se bani hai, aur jo कानून में बदला गया है, और जो कानून के इंटरप्रिटेशन हुआ है उसका, और ये कोई भीख के तौर पे हमको नहीं दिया गया है। आज की तारीख पे एक बहुत एक नया किस्म का वही ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी नाउ इंटरवीन्स बिटवीन आवर राइट्स, बिटवीन अस एंड द रूलर्स, एंड इवन लॉ इज at some level powerless to determine what happens, because ultimately, as the quotation that Parab very fondly repeats, architecture is policy and code is law. I would say finally code is law, because kya uske andar hai humko nahi malum, wo kanuni hai gair kanuni hai humko nahi malum, kisko malum hai अक्सर किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि पांच लोगों ने जो बनाया है उसके अंदर क्या है उनको भी नहीं मालूम है। तो वी आर गेटिंग इनटू सिचुएशंस वेयर इन सम सेंस टेक्नोलॉजी इज गेटिंग आउट ऑफ सोशल कंट्रोल, अपीयर्स टू गेट आउट ऑफ सोशल कंट्रोल, इस वक्त लगता है कि हमारे हाथ से बाहर है। तो हमारा अब जो है संघर्ष दो तरह की है, एक तो है इन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उनको कैसे हम अकाउंटेबल बनाएं। इसमें सबसे बड़ी इशू जो आ रही है इस वक्त वो है कि जो इसकी कर्णधार है, दोज हु आर द लीडर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द टेक कंपनीज, एंड बाय द वे इट इज़ नॉट द डिजिटल कंपनीज हु इंट्रोड्यूस द वर्ड डिस्रप्शन, इट इज़ इनोवेशन थियरी विच टॉक्ड अबाउट डिस्रप्शन,
Okay, so it precedes the tech companies. They have adopted it because of the speed with which it is going. So, ek to hai ki isko accountable kaise kare, to we still have the same struggle that we waged 500 years back to make our rulers accountable, which is what is called bourgeois democracy, which is where it came from. Ki how dunya ko kaise, rajwadon ko kaise janta ke samne accountable banaye, uski ladai thi, hak ki ladai thi, we had the same issue. But one central difference. Earlier, our basic struggle was within our nation states. कि हमारे जो सत्ता की संघर्ष थी, जनता की संघर्ष थी, वो एक राज के अंदर हुआ करता. It was part of a struggle which could be formed, fought within the national boundaries. Unfortunately, the digital monopolies are outside any nation's control today. They are backed by America. America से backing उनकी मिलती है. पांचों कंपनी जो मैंने गिनाया. अमरीकी कंपनी है पर उसके पीछे अमरीका मिलिट्री ज़रूर है पर वो उसकी अकाउंटेबल करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इवन मोनोपोलीज लाइक स्टैंडर्ड ऑयल वर ब्रोकन अप बाय एक्शन ऑफ द यूएस स्टेट यूएस स्टेट में एंटी मोनोपोली का एक दौड़ था जिस पे लोग सड़क पे आए थे रेलवे से शुरू हुआ था उसका मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा हूँ बट ये एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन जो अमेरिका में कायम हुआ था वाज अ पार्ट ऑफ पीपल स्ट्रगल बट दैट मोनोपोली लेजिस्लेशन टुडे डज नॉट अप्लाई बिकॉज दीज कंपनीज आर आउटसाइड नेशनल कंट्रोल दे आर फुल्ली बैक विद यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स कोट अनकोट ओन्स द इंटरनेट आपकी आईपी एड्रेसेस जो है अमेरिका देती है आपकी जो वेब की जो एड्रेस होती है अमेरिका देती है आईकैन के जरिए तो ये जो उसके ऊपर हम आज चर्चा नहीं करेंगे बट रियली इंटरनेट इज केप्ट फ्री ऑफ नेशनल कंट्रोल बिकॉज इट इज़ अंडर यूएस कंट्रोल एंड दैट्स व्हाट हैज बीन प्रमोटेड बाय द यूएस दैट इट शुड नॉट बी अ नेशनल कंट्रोल नहीं तो वो चीनी लोग आ जाएंगे सऊदी अरेबियन आ जाएंगे और वो सब कंट्रोल करने लगेंगे वी आर अ बेटर कस्टोडियन ऑफ द इंटरनेट देन दे आर देयरफॉर इट शुड बी अंडर आवर कंट्रोल टैसिटली व्हाइल इट्स बी टॉक्ड अबाउट इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी मल्टी स्टेक होल्डर एटसेट्रा एटसेट्रा बट रियलिटी इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे डोंट वॉन्ट एनी नेशनल कंट्रोल इंक्लूडिंग देयर्स ऑन दीज कंपनीज इनके इस पर पूरी पूंजी को छूट होनी चाहिए तो ये कोई इस पर कोई कंट्रोल ना हो दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी हैव सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू प्रॉब्लम्स वन इज हाउ टू फाइट द नेशनल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस लेड बाय मिस्टर नंदन नीलेकानी आई स्पिरिट यूजिंग आधार एज द बेसिस एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई एम गोइंग टू से सम थिंग्स विच मे बी हेरेटिकल हियर विच इज दैट कि जब आप सुनेंगे कि आई स्पिरिट वगैरह उसकी मकसद क्या है उसको थोड़ा समझने की इससे परे हट की ज़रूरत है वो कह रही है कि गूगल ने तो दुनिया ले लिया चीनी वालों ने तो अपना मार्केट प्रोटेक्ट कर लिया क्योंकि उनका ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना है इनफैक्ट ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना वॉज नॉट सो मच अबाउट सेंसरशिप वॉज अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरनल मार्केट विच दे हैव डन दैट्स वाई दे हैव अलीबाबा दे हैव डिफीटेड उबर देयरफॉर दे हैव ऑल्सो गॉट देयर ओल्ड सोशल नेटवर्क्स फेसबुक नहीं है गूगल नहीं है दे हैव सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड देयर इकोनॉमिक स्पेस एंड इन द टॉप 10 कंपनीज टुडे डिजिटल कंपनीज मोनोपोलीज फॉर आर चाइनीज So that's whether they are how Chinese they are is a different question क्योंकि उनका shares भी अमेरिका का stock market में ही release हो रहा है but leaving that out ये जो Paytm है ना उसके पीछे Alibaba का पैसा है Alipay का पैसा उसमें है but leaving all that out we have lost that battle we neither have Google's nor do we have great firewall of China what we can do is we can use the Aadhaar infrastructure Mr. Nilekani built with the government help and create our quote unquote India stack by which we'll keep both Google as well as others out is supposedly the intention. The intention is a protectionist one and I do think that open APIs are actually open APIs because what you are saying is anybody can access those APIs to get data out. So it's not that it is just APIs. APIs are, they are in that sense I would say yes APIs are something too software when they talk to each other तो software जो बात करते हैं common एक exchange की बात होती है open APIs की कोई भी उसे link कर सकते हैं that's the purpose of open API so we have a positive element fighting global capital we have a negative element trying to form their own monopolies कि हम यहाँ monopoly बने और एक साथ उसके साथ साथ ये भी है तो दुनिया की जो बड़े monopolies हैं उसके खिलाफ संघर्ष करें both aspects of there
सम टोटल मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ इस बात से कि संघर्ष अब इस बात पे है कि सरकार क्या करे, सरकार कैपिटलिस्ट के लिए करे, ग्लोबल कैपिटलिस्ट के लिए करे, इंडियन कैपिटलिस्ट के लिए करे। सो गवर्नमेंट इज इट गोइंग टू बी फॉर इंडियन कैपिटलिस्ट एज अगेंस्ट ग्लोबल कैपिटलिस्ट, फॉर ग्लोबल कैपिटलिस्ट एंड इंडियन कैपिटलिस्ट, वन पार्ट। एट द मोमेंट इस वक्त सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है, ये तो बहुत साफ है। अब जो पूरा सुबह की बातचीत चल रही थी, इज वेरी क्लियर देयर इंटेंशंस आर नाउ टू डिसएनफ्रेंचाइज द पीपल इंक्रीजिंगली बाय सेइंग दिस इज टेक्निकल। ये तो टेक्निकल चीज है, इस पे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि यही टेक्नोलॉजी के स्वरूप है। सो द रीजन दैट वी हैड फॉर्म्ड आवर साइंस फोरम वॉज एसेंशियली दिस, कि दिखाना कि टेक्नोलॉजी के पीछे राजनीति है, देर इज रियली पॉलिटिक्स बिहाइंड दैट राजनीति, बिहाइंड देर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी, एंड अनलेस वी आर एबल टू व्हाट शैल आई से डीमिस्टिफाई दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के नकाब जब हम हटा नहीं पाएंगे तब तक इसके इसमें हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग आज हैं जो इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं, उषा बींग वन ऑफ द की वंस, एंड वी नीड टू सैल्यूट हर फॉर टेकिंग दिस इशूज अप सो अर्ली एंड फाइटिंग फॉर दिस, बट देर आर होल लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो फॉर the whole part of whole other people are also there, but it means really bringing three sets of peoples together. Ek to hai iska legal implication kya hai, what are the legal implications for any of these technologies we need to understand and fight, it's one is that. The second is how does it affect the people, janata ki sangharsh se isko jodna, jo aapne kaha ki aadhar ke andar कितने लोगों के बायोमेट्रिक्स के वजह से कितने लोगों को राशन नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, इसको इस संघर्ष के कैसे जोड़ें, द चैलेंज फॉर अस, हाउ डू यू कनेक्ट दैट, एंड द थर्ड एंड दिस इज द पार्ट वेयर आई कम फ्रॉम, तीसरा जो मैं जिससे मैं आता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट है, ओपन डेटा स्टैंडर्ड्स की जो बात करते हैं, इनकी संघर्ष को इसके साथ कैसे जोड़े, बिकॉज विदाउट दैट वी विल नॉट बी एबल टू डीमिस्टिफाई द टेक्नोलॉजी, इसके इसके ये अगर बाहर रहे तो हम टेक्नोलॉजी डीमिस्टिफाई के काम को हम नहीं कर पाएंगे, उसकी भी ज़रूरत है। एंड आई विल एंड विद दिस कि देयर हैव बीन फाइट्स दैट द फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिटी, द ओपन डेटा कम्युनिटी हैव फॉट, देयर आर एक्चुअली पॉलिसीज इन प्लेस विच इज सपोज टू बी ओपन स्टैंडर्ड्स, नो प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स, नो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, सो ऑल दीज आर इनेबलिंग मेजर्स। जो भी आपके कानून है, जो भी पॉलिसीज है, जो हमारे हित के लिए है, जो हमारे हक को कार्यान्वित करने के लिए है, what will actually make our rights operational, they are only enabling, ki unless we can use these enabling provisions to really fight we will not succeed. So we need to bring these three constituencies together, inko teen constituency ko ek karne ki zarurat hai, agwai unko karna hai jo is hak se apne hak se vanchit ho rahe, those who are being dispossessed, disenfranchised, they have to lead the struggle. So Nikhils of the world have to lead the struggle, but कि हमारा काम यह है कि इनके साथ हम अपनी आवाज़ को जोड़ें, दैट वी एड आवर वॉइस टू दिस, सो दे कैन नॉट बी सेड दैट दीज आर लडाइट्स, ये तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, इनको सब चीज़ नामंजूर है, ये ना कह पाएँ, ताकि ऐसे लोग भी हो जो कहे नीलेकारी जो कह रहा है गलत कह रहा है, इसीलिए गलत कह रहा है। तो ये चीज़ों जिसके जोड़ने की ज़रूरत है, सो आई थिंक वी आर इन फॉर ए डिफिकल्ट टाइम, बट लेट्स ऑल्सो एग्री that the speed with which technology has overtaken us has never happened in the world before. Itni tezi se naya technology itne vyapak roop mein jo phail gaya hai ye kabhi hua nahi hai, to hamare samne anokhi challenge hai. Main to budha ho chuka hu to mujhe bahut din isko nahi karna hai, par aap logo ke haath mein ye hai, it's in your hands how you will fight this challenge. Main ek choti baat kehna chahta hu ki mujhe dhyan आता है वो एक शब्द जो लिटरेचर से है कि एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जैसा है, क्योंकि हमने बनाया, किसी दिन किसी को समझ में आया कि क्या बनाए उसकी बस की बात नहीं है, उसको रोकना, राजा महाराजा रोक सकता था,
यदि उसको ठीक नहीं लगता किसी और कहीं रोक सकता था, पर दूसरा कि ये एक सेल्फ जेनरेटिंग मशीन है। एक बार आपने मशीन बना दिया, उसके प्रोग्राम्स बना दिए, आप उससे निकल जाए वो तो चलते रहे, तो उसको ठीक करना, कितना कम आपने इंसानों को उससे हटा दिया। मतलब वो इंसान वो कौन है, वो कैपिटलिस्ट है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इंसान को ही हटा दिया और वो मशीन अपने ही काम करते रहेगी, वो एक बहुत, और वो जिस तेजी से वो पूरी व्यवस्था बढ़ रही है वो खतरनाक ऑटोमेशन है। केवल ऑटोमेशन नहीं है, खतरनाक ऑटोमेशन है ऑफ अ सेल्फ जेनरेटिंग मशीन। तो ये अब यदि हमें सवाल कहीं हो या कमेंट्स हो, मेरे ख्याल में कमेंट्स हो तो बहुत एक ही लाइन में, और सवाल है तो भी ताकि हम तो विज़ा आप ही लिख लेंगे याद रखेंगे।